इतने समय बीत जाने के बाद क्या जो केंद्र की सरकार दिल्ली में बैठी है वो कान में नौमन तेल डालकर बैठी है, आंखों में ऐसा चश्मा चढ़ा रखा है जिससे उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है? सेम सेम सेम। क्योंकि ये जो आपकी आवाज है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री की स्वयं और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी के पास क्यों नहीं पहुंचे अब तक? और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, आज इस देश का एक बहुत जाना माना नेता बीमार पड़ा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था और मुझे कोई अफसोस नहीं है क्लास के छुट भाइयों के साथ मुझे काम करने का मौका। वो बिल्कुल उनके आदेश के इंतजार में असहाय बैठा हुआ है और ऊपर से कोई आदेश नहीं है, इसलिए हमें अपनी आवाज को और ताकत देनी होगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज के दिन और यहाँ से जुलूस की शक्ल में राजनिवास तक जाएंगे। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि मुद्दे क्या हैं और कैसे दिल्ली की सरकार के साथ नाइंसाफी हो रही है, और वह भी ऐसी सरकार नहीं जिसको कुछ लोगों ने चुना, एक ऐसी सरकार जिसको दिल्ली की समस्त जनता ने चुना। और लाज साहब दिल्ली छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, वायसराय दिल्ली छोड़ो, दिल्ली